दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th भारतीय रेल देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है ताकि प्रवासियों को अपने घर जाने में दिक्कत ना हो। यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी अपने घरों के लिए वापसी कर रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में, जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनमें COVID-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों यानी कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस से लोगों की मृत्यु के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी सामने आए हैं। ऐसे कुछ लोगों की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय के 17 मई 2020 के आदेश के अनुसार भारतीय रेलवे सभी यात्रियों से अपील करता है कि पूर्व ग्रसित बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, कम प्रतिरक्षा यानी कि लो इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा से बचें। हम समझ सकते हैं कि देश के कई नागरिक इस समय रेल यात्रा करना चाहते हैं एवं उनको निर्बाध रूप से रेल सेवा मिलती रहे, इस हेतु भारतीय रेल का परिवार 2400 घंटे सातों दिन कार्य कर रहा है। पर हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है। किसी भी कठिनाई या आकस्मिक स्थिति में अपने रेल परिवार से संपर्क करने से हिचकिचाएं नहीं, भारतीय रेल सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। हमारी हेल्पलाइन नंबर 139 और 138 पर आप संपर्क करें किसी भी आवश्यक स्थिति में।